हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2019 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 31 के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर 2019 के टॉप 25 करंट अफेयर्स को जो कि रिलेटेड है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम से। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको इन एमसीक्यूज की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं आपने टोटल क्वेश्चंस में से यानी कि 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है। सो फ्रेंड्स, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू विन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज, यानी कि कौन भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली पहली छात्रा बन गई है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 15 सेकंड के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कविता गोपाल। सो फ्रेंड्स, कविता गोपाल आईआईटी मद्रास में पहली ऐसी गर्ल स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज जीता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है प्राइज सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही जीतते आ रहे थे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वाज अवार्डेड द जीएन रामचंद्रन गोल्ड मेडल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे गोपाल समुद्रम नारायणन रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। सो फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए, प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेट टॉप्ड द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यानी कि फ्रेंड्स नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। सो फ्रेंड्स, वो स्टेट है ऑप्शन सी, केरल। और फ्रेंड्स, यहां पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये रिलीज किया गया है नीति आयोग द्वारा। और फ्रेंड्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में सेकंड पोजीशन पर है राजस्थान और थर्ड पोजीशन पर है कर्नाटक। और फ्रेंड्स, नीति आयोग ने इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है 2016-17 डेटा के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच डे वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन सी, 5th of October को। और फ्रेंड्स, इस बार का थीम था वर्ल्ड टीचर्स डे का, यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, जहां पर फ्रेंड्स यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा है कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए इस प्रोफेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन एट द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, यानी कि फ्रेंड्स भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में किस स्थान पर रखा गया था। सो फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन सी, 68। सो फ्रेंड्स, इस साल इंडिया 68th प्लेस पर है जबकि लास्ट ईयर 58th प्लेस पर था। और अगर फ्रेंड्स हम 2018 के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो इंडिया जो है 10 प्लेसेस और पीछे आ गया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच इकोनॉमी टॉप्ड द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में कौन सी अर्थव्यवस्था अव्वल रही।
सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू इनरिच देयर स्किल्स, यानी कि फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए ध्रुव, जहां पर फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, जहां पर टैलेंटेड बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध और प्रोत्साहित किया जाएगा। और फ्रेंड्स ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसरो के हेडक्वार्टर से। तो फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु में, जहां से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स इस प्रोग्राम के अंडर जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हें ध्रुव तारा का नाम दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हु वन दी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019, यानी कि फ्रेंड्स साहित्य 2019 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी पीटर हैंडके। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वन दी 2019 नोबेल पीस प्राइज, यानी कि फ्रेंड्स 2019 नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है। सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए एबी अहमद अली, जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स हाउ मेनी जवाहर नवोदय विद्यालयस वर इनोग्रेटेड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कितने जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी 5। सो फ्रेंड्स इन्होंने 5 जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ 9 नए जवाहर नवोदय विद्यालय की भी आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑनर्स फॉर होम गूगल हैज रिसेंटली डेडिकेटेड अ डूडल, यानी कि फ्रेंड्स भारत की पहली महिला स्नातक ऑनर्स का नाम क्या है जिसके लिए गूगल ने हाल ही में एक डूडल समर्पित किया है। सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए कामिनी रॉय, जहां पर फ्रेंड्स कामिनी रॉय जी की 155th बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने हाल ही में एक डूडल डेडिकेट किया है। और फ्रेंड्स इंडियन हिस्ट्री में ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री हासिल की थी। सो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1864 को। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश अ कन्याश्री यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कन्याश्री विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। सो फ्रेंड्स वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, जहां पर फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है नादिया डिस्ट्रिक्ट में और पूरे स्टेट में कन्याश्री कॉलेज और कन्याश्री यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ नेम्स विच वॉज रिसेंटली नेम्ड फॉर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019, यानी कि फ्रेंड्स उन नामों की सही जोड़ी को आपने चुनना है जिन्हें हाल ही में रसायन विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।
सो फ्रेंड्स इनमें से करेक्ट पेयर है जिन्हें हाल ही में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था। सो फ्रेंड्स वो करेक्ट पेयर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में फ्रेंड्स अकीरा योशिएनो, एम स्टैनली विटिंगम और जॉन बी गुडेनो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ नेम्स विच वॉज रिसेंटली नेम्ड फॉर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2019। यानी कि फ्रेंड्स हाल ही में बहुत ही 2019 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए नामों की सही जोड़ी का चयन करें। तो फ्रेंड्स वो करेक्ट पेयर है ऑप्शन सी, मिशेल मेयर, डीडियर क्लोज और जेम्स पीबल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिक्स हु रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2019 फॉर इकोनॉमिक्स। यानी कि फ्रेंड्स भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 का विजेता घोषित किया। सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी अभिजीत बैनर्जी। और साथ साथ फ्रेंड्स नोबेल प्राइज 2019 फॉर इकोनॉमिक्स ये इनकी वाइफ ईस्टर डफलो को भी सम्मानित किया गया है और फ्रेंड्स माइकल क्रैमर को भी इससे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये प्राइज उन्हें क्यों दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये प्राइज उन्हें दिया गया है उनके रिसर्च के लिए जहां पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वैश्विक गरीबी यानी कि ग्लोबल पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए। और फ्रेंड्स इनसे पहले नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 1998 में इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन उन्हें दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, हु वन दी 2019 बुकर प्राइज। सो फ्रेंड्स 2019 बुकर प्राइज जीता है ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड ने। सो फ्रेंड्स 2019 बुकर प्राइज ये दो लोगों ने जीता है, एक तो है मार्गरेट एटवुड और दूसरी है बर्नार्डिन एवरिस्टो। सो फ्रेंड्स ये अवार्ड हर साल दिया जाता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बेस्ट नॉवेल होता है और पब्लिश होता है यूनाइटेड किंगडम में, तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनकरेज गर्ल स्टूडेंट्स टू परस्यू स्टेम एजुकेशन। यानी कि फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा STEM शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सो फ्रेंड्स वो स्कीम है ऑप्शन बी विज्ञान ज्योति योजना, जहां पर फ्रेंड्स 100 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा 550 डिस्ट्रिक्ट्स में से और इन्हें ट्रेन किया जाएगा 2020 से 2025 तक। और फ्रेंड्स जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा उनके एग्जाम्स में जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पर। और फ्रेंड्स इस स्कीम में शामिल है क्लास 9 से लेकर 12th तक की गर्ल्स स्टूडेंट। और फ्रेंड्स स्टेम यानी कि STEM ये करिकुलम बेस्ड आइडिया है स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, जहां पर फ्रेंड्स इसमें 4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स शामिल हैं जैसे एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। और साथ साथ फ्रेंड्स ये एक इंटरडिसिप्लिनरी और अप्लाइड अप्रोच है यानी कि एक अंतर्विषय और लागू दृष्टिकोण भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज बीन रिकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि फ्रेंड्स किसे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए जस्टिस एस.ए. बॉबडे। सो फ्रेंड्स जो अभी करंट CJI हैं रंजन गोगोई उन्होंने रेकमेंड किया है जस्टिस शरद अरविंद बॉबडे का नाम फॉर दी 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हैं वो 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 ऑफ नीति आयोग, यानी कि फ्रेंड्स नीति आयोग भारत नवाचार सूची 2019 में किस राज्य ने टॉप किया है। सो फ्रेंड्स वो स्टेट है ऑप्शन ए कर्नाटक, जहां पर फ्रेंड्स इस इंडेक्स में तमिलनाडु सेकंड प्लेस पर है और महाराष्ट्र थर्ड प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट रैंक इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, यानी कि फ्रेंड्स भारत नवाचार सूचकांक 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला रैंक मिला है। सो फ्रेंड्स वो यूनियन टेरिटरी है ऑप्शन डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स दिल्ली 42.98 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट प्लेस पर है और चंडीगढ़ सेकंड प्लेस पर है 27.97 पॉइंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल टू गिव एडमिशन टू गर्ल्स फ्रॉम द सेशन 2021-22 इन सैनिक स्कूल्स, यानी कि हाल ही में सैनिक स्कूलों में सत्र 2021-22 से लड़कियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है। सो फ्रेंड्स ये मंजूरी दी है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ने। सो फ्रेंड्स सैनिक स्कूल इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए थे 1961 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, यानी कि फ्रेंड्स 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। सो फ्रेंड्स इंडिया है ऑप्शन बी 63rd प्लेस पर। सो फ्रेंड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ पैरामीटर्स शामिल हैं जिनके बेसिस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स को तैयार किया जाता है। सो फ्रेंड्स इन पैरामीटर्स में शामिल हैं जैसे किसी बिजनेस को कितनी आसानी से शुरू किया जा रहा है, टैक्स को पे करना, जो बॉर्डर पार देश हैं उनसे व्यापार, और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसमें शामिल है। सो फ्रेंड्स ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, और फ्रेंड्स और भी कई पैरामीटर्स हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल हैं। और फ्रेंड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स ये रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को। और फ्रेंड्स इंडिया का लास्ट ईयर रैंक था 77th, लेकिन इस बार इंडिया का रैंक है 63rd। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, कन्या सुमंगल योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, यानी कि फ्रेंड्स कन्या सुमंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। सो फ्रेंड्स ये स्टार्ट की गई है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। और फ्रेंड्स जो गर्ल चाइल्ड है उसे एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सुमंगल योजना शुरू की गई है। ये स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 25 अक्टूबर 2019 को। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स इंडिया के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड द डैश एन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल,
यानी कि फ्रेंड्स केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के परिणाम में सुधार करने की पहल डैश शुरू की है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है वो कौन सा इनिशिएटिव है। सो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी निष्ठा। सो फ्रेंड्स निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि फ्रेंड्स स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल समग्र उन्नति। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए अक्टूबर 2019 के 25 करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड थे आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2019 के एग्जाम से। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।